एवरीवन, वेलकम टू टाइनी फिट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइनी फिट्स पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी किस तरह से कराई जाती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारे लोगों का डर बना रहता है कि किस तरह से क्या होता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक, जब तक बच्चा बाहर नहीं आता, क्या क्या होता है, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आपकी भी डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है, तो आपको इस वीडियो से काफी हद तक हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक डर, एक वहम मन में बना रहता है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे डॉक्टर करते हैं। बहुत बार सुसुपोटी निकल जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, क्या होता है, सारा प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ताकि आपके जो मन में जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए और आप एकदम सटीक माइंड से, मतलब अपने एकदम फ्रेश माइंड से जाएं और जो जितने भी डाउट है, जितने भी जो भी आपके मन में उलझन है, वो सारी खत्म होकर एकदम एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ आप डिलीवरी के लिए जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट और हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलना, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा जब जब मेरे चैनल पर कोई भी नई वीडियो का अपडेट आता है। तो चलिए शुरू कर दें फिर आज की बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के जो टाइम होता है वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है। बहुत सारी महिलाओं का अच्छा टाइम जाता है, बहुत हेल्दी एक प्रेगनेंसी रहती है, बहुत स्मूथ प्रेगनेंसी रहती है। बट बहुत सारी महिलाओं की जो प्रेगनेंसी है वो काफ़ी टफ टाइम से होके गुजरती है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन महिलाओं को लगे रहते हैं पूरी प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी का टाइम तो फ्रेंड्स है ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल भी है बहुत सारी महिलाओं के साथ, बट जो डिलीवरी का टाइम होता है वो भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, इतना ही मैटर करता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका जो 9 महीने का इंतजार है और आपने मन में सोचा है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो यहाँ पर क्या क्या होता है और क्या मिस्टेक आपसे हो जाती है और क्या मिस्टेक डॉक्टर कर बैठते हैं, जिसकी वजह से सी सेक्शन हो जाता है, बहुत बार आपका लंबा प्रोसीजर चलता है, ये सारी चीजें, जो भी एक मन में डाउट या डर बना रहता है, आपको इस वीडियो से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्या होता है जब आपको लेबर पेन उठता है, तो यहाँ पर हो सकता है आपका जो लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो बताता है कि अब आपकी डिलीवरी कितने दिनों में हो जाएगी, हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा, या आपको 2-4 दिन में ही लेबर पेन आ सकते हैं। डिपेंड होता है, वहां पे पता चलता है कि बच्चे की डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। अगर बच्चे की अभी डेवलपमेंट में थोड़ी कमी है तो आपको डॉक्टर वेट करने के लिए बोल देंगे, और अगर डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है तो आपको बोलेंगे कि अगर 2-4 दिन में लेबर पेन आपको नहीं आता है तो आपको इंड्यूस लेबर के थ्रू डिलीवरी करानी पड़ेगी। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, इंड्यूस भी अच्छा है। अगर सर्विक्स आपकी सॉफ्ट हो रही है, बच्चा पूरी तरह से नीचे खिसक चुका है, यानी कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन करके बर्थ पोजीशन में आ गया है, बस आपको लेबर पेन नहीं आ रहे, बहुत बार लेबर पेन डिले आते हैं, ये आजकल नॉर्मल हो गया है, लेबर पेन आता ही नहीं है, तो इंड्यूस डिलीवरी होती है। मेरी भी इंड्यूस डिलीवरी हुई है, ड्यू डेट खत्म होने के बाद 2-3 दिन वेट करने के बाद भी जब लेबर पेन नहीं आया तो डॉक्टर ने इंड्यूस डिलीवरी के लिए सजेशन दिया, तो हमने उसको एक्सेप्ट किया, राइट। उसके बाद आपको भी यही ऑप्शन चूज करना है, ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो जो बच्चे की जो प्लेसेंटा कनेक्टेड रहती है बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड, जो जिसको कहते हैं, बच्चे की नाभि से जो जुड़ी रहती है, उसमें क्या होता है कि जो बच्चे को गुड्स थिंग्स वो देता है, सेंड करता है, तो वो जो जितना भी आयरन, ब्लड, जो भी चीजें रहती है वो देना बंद कर देता है, यानी कि वो अब बैड क्वालिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, तो वो थोड़ा खतरे की निशानी हो जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड भी। तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना है कि लेबर पेन आएगा नेचुरल तभी हम हॉस्पिटल जाएंगे, होता है कि अब आप हॉस्पिटल जा चुके हैं, हॉस्पिटल में आपको एक रूम अलॉट होता है, रूम अलॉट में क्या होता है कि आपको बहुत बार डॉक्टर क्या होते हैं, एक दिन पहले आपको कैस्टर ऑयल पीने के लिए दे देते हैं कि दूध में डाल के आप इसको पी लेना, ताकि जो आपकी लूज मोशन है पूरी तरह से आपका एनस जो है खाली हो जाए। ऐसा क्यों करते हैं डॉक्टर कि जब आप डिलीवरी के लिए प्रेशर लगाएंगे तो आपकी सुसुपोटी ना निकले, ऐसा करने से आपका जो क्या होता है कि बहुत बार जो गंदगी आपकी पोटी निकल गई तो वो बच्चे में जाने की डर रहता है, बच्चे को इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो ये इसलिए करते हैं। और आप जब प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, एनस जब खाली हो जाएगा तो पूरा स्पेस बच्चे को मिल जाएगा, तो ऐसा भी इसलिए डॉक्टर करते हैं। तो आपको पूरी रात जो होता है 2-3 बार लूज मोशन हो जाते हैं, आपका पेट पूरी तरह से खाली हो जाता है, तो फिर आपको डॉक्टर जब एडमिट के लिए बोल देते हैं या आपको नेचुरल पेन आ रहा है तो आप उस अकॉर्डिंग जाते हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले एक रूम अलॉट कर दिया जाता है जहां पर आपको बहुत बार ड्रिप चढ़ती है, बहुत बार क्या होता है महिलाओं का बीपी चेक होता रहता है, बच्चे की हार्ट बीट चेक होती रहती है टाइम टू टाइम, और डॉक्टर आपके सर्विक्स को चेक करते रहते हैं कि डायलेशन कैसे हो रहा है, कितना परसेंट डायलेशन हुआ है अभी नहीं हुआ है, तो बार बार घंटे दो घंटे में आपको आके चेक करते जाते हैं, और आपको साथ साथ में खाने के लिए पीने के लिए भी देते रहते हैं कि हल्का हल्का पानी पीते रहिए या चाय बिस्कुट थोड़ा बहुत पी सकते हैं, क्योंकि अगर आपका लेबर पेन बहुत लंबा चला तो आप भूखे रह जाएंगे तो फिर बॉडी में एनर्जी नहीं रहेंगी, जैसे ही आपका कैल्शियम डाउन हुआ तो आपका बीपी फ्लक्चुएट होगा, तो नॉर्मल डिलीवरी की सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल होनी शुरू हो जाती है, और बच्चे की भी हार्ट रेट वो चेक करते रहते हैं, अगर बच्चे की हार्ट बीट पर रेट पर उसकी कोई इम्पैक्ट नहीं है तो आपकी आपका जो लेबर जिस प्रोसेस में चल रहा है वो चलने देते हैं, अगर जहां पर लगता है कि बच्चे की हार्ट बीट जो है वो धड़कन कम हो रही है, स्लो हो रही है, प्रेशर पड़ रहा है, तो डॉक्टर आपको सजेशन दे सकते हैं कि भाई बच्चे की हार्ट बीट पे फर्क पड़ रहा है तो आप सी सेक्शन करवा लो क्योंकि खतरा है यहाँ पर, तो दोनों का चेक होता रहता है फ्रेंड्स, साथ में आपका भी मीटर चलता रहता है कि बच्चे की हार्ट बीट सही है तो नहीं है, बहुत बार क्या होता है कि बच्चे का जो सर है ना वो सर्विक्स में ऐसा फिक्स हो जाता है आपकी बोन में, और बोन बहुत सारी महिलाओं की छोटी होती है तो बच्चा नीचे ही नहीं खिसक पाता, यानी कि बच्चे का सर ही जब बाहर नहीं आएगा तो बाकी का बॉडी पार्ट बाद में आता है ना बाहर, तो जब सर ही वहां अटक जाएगा सह तो बहुत बार महिलाओं का जो सर्विक्स की हड्डी होती है यानी कि जो हिप्स की बोन होती है वो बहुत छोटी होती है, और बच्चे का सर उसमें अच्छे से नहीं आ पाता या बच्चा वहां से पार होके नहीं जा पाता, जो आपका बर्थ कनाल जो होती है, तो ये सिचुएशन भी महिलाओं के साथ हो जाती है, तो ये एक नॉर्मल है फ्रेंड्स, बहुत बार जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है गॉड ने अलग अलग डिजाइन किया है, तो यहाँ पर अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो भी आपको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ सकता है, और अगर आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो आपका क्या है कि 7 से 8 सेंटीमीटर डायलेशन तक डॉक्टर आपको उसी रूम में रखते हैं जहां पर आपको वो रूम अलॉट हुआ है, और वहां पर आपका टाइम टाइम पे चेक करते रहेंगे, आपको मेडिसिन ड्रिप चढ़ती रहेगी, उसके बाद जब आपको तेज लेबर पेन आने शुरू हो जाते हैं तो फ्रेंड्स जब आपको लेके जाया जाता है स्ट्रेचर पर उस रूम में जहां पर बच्चा डिलीवर होगा यानी कि आपका ऑपरेशन थिएटर में ओटी में लेके जाते हैं, तो वहां पर आपको एक ऐसा टेबल या बेड पे लेटाते हैं जहां पर ऐसे हैंडल्स बने रहते हैं जहां पर आपके पैर को हैंग कर दिया जाता है ताकि, और आपके कमर के नीचे तकिया लगा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सपोर्ट मिले, जब भी आप पुश करें अच्छे से पुश करें तो सारा प्रेशर आपके नीचे के एरिया पर रहे या नीचे की जहां से बच्चा निकल रहा है यानी कि आपकी प्राइवेट पार्ट पे पूरा प्रेशर पड़े, तो यहां पर आपको पुश कैसे लगाना उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लेना, मैं आई बटन पे और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कि आप किस तरह से पुश लगाएंगे, क्योंकि पुश लगाने की एक बेटर टेक्निक होती है, एक टाइमिंग होती है, जिस बेटर टाइम में आप पुश लगाएंगे बच्चा 3 से 4 पुश में ही बाहर आ जाएगा, उसके बाद आपके पास डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, देखते हैं कि आपकी जो सर्विक्स का मुंह है और बच्चे की जो हेयर लाइन जब दिखती है तो वहां पर देखते हैं कि बच्चा का सर पूरी तरह से बाहर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, बहुत बार सर्विक्स छोटी होती है, आपका बच्चेदानी का मुंह छोटा होता है, बहुत बार बच्चे का जो काफी हेल्दी होता है बच्चे का सर बड़ा होता है, बहुत बार बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है, तो आपके प्राइवेट पार्ट में कट लगा देते हैं ताकि बच्चा आराम से आसानी से बाहर आ पाए, आप धक्का लगाएंगे उस टाइम पर बच्चा का सर जब बाहर आया था तो बच्चे को खींच के बाहर निकाल लेते हैं, साथ में आपकी प्लेसेंटा को बाहर निकाल लेते हैं, और ये प्रोसीजर आपका लेबर का यानी डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद बच्चे को लेके जाया जाता है चेकअप के लिए कि हार्ट बीट और एवरीथिंग सब ठीक है नहीं है, बीपी सब सब कुछ चेक करते हैं, सर में सूजन तो नहीं है, सर तो नहीं दब गया, उस टाइम पे क्या होता है जब हड्डी जो होती है ना हिप्स की बोन की तो बच्चा जब सर वहां पे फिक्स करता है तो एकदम बहुत टाइट होता है, अगर जितना पेन आप झेलते हैं ना फ्रेंड्स उससे कहीं ज्यादा बच्चा भी पेन में होता है, क्योंकि बच्चा भी एक छोटी सी जगह में से निकल के खुद को बाहर लेके आता है, उसके लिए भी एक बहुत टफ टाइम होता है, तो यही नहीं है कि आपने ही तकलीफ झेली है उस टाइम पर, आपका नन्ही जान भी बहुत तकलीफ झेलता है, तो उसको भी आपको अप्रिशिएट करना है कि उसने भी आपको सपोर्ट किया, और लेबर पेन में उसने जितनी तकलीफ आपने झेली है उतनी ही तकलीफ आपके बच्चे ने भी झेली है, तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स बच्चे को चेकअप करते हैं, पूरा वेट वगैरह कराते हैं, फिर आपको बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कराते हैं, और विद इन 1 आवर में ये मस्ट है फ्रेंड्स, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा मस्ट है, आप अपने डॉक्टर से जरूर ये चीज को पहले से ही नॉलेज करके रखें, पूछ के रखें, एक तो अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है ना उसको 1 मिनट के बाद ही आप कट करने के लिए बोले, उसका बेनिफिट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका बेनिफिट क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप इस बारे में जानना चाहते हैं, आप अवेयर हैं या नहीं है, मुझे बताना, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और नंबर 2 है आपको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, और नंबर 3 है विद इन 1 आवर में ये सारी चीजें हैं, और आपको ब्रेस्ट फीड, ये तीनों चीजें विद इन 1 आवर में आपके साथ हो जानी चाहिए, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में इसके बेनिफिट्स बताऊंगी कि कितने बेनिफिट आपके बच्चे को और आपको मिलते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको इस वीडियो से पूरी ज्यादा जो भी आपकी कंफ्यूजन रही होगी वो दूर हुई होगी, इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट अब मिल गई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।